हेलो 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 वेलकम यू ऑल इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री प्लेलिस्ट एंड आज हम देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ कोल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोल क्या होता है क्लासिफिकेशन क्या है किस किस तरह के कोल्स होते हैं अब उन कोल्स को एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि यार वो कोल कितना ज्यादा प्योर है क्या उसके अंदर चीजें हैं क्या क्या वो बना रहा है सो so, दो अलग अलग टाइप्स दिख गए होंगे आपको दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल अप्रॉक्सीमेट प्रोक्सीमेट का काम क्या है वोलेटाइल मेटर मॉइस्चर एश क्वेंटेंट यानी राख ठीक है फिक्स्ड कार्बन उसमें कितना कार्बन है ये सब को निकाल के देगा आपको अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस इसके अंदर अपन फॉर्मूलास देखेंगे सारे जितने भी है तो ये एक आपका क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ठीक है इसके अंदर जो होता है अल्टीमेट एनालिसिस ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट जिसके थ्रू ये क्या निकाल के देगा आपको कार्बन उसमें कितना, कितना है कितना परसेंटेज है हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है सल्फर कितना परसेंटेज है एंड नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है, तो बोथ ऑफ आर दोनों इंपॉर्टेंट है भाई ये अलग चीज निकाल के देगा ये अलग चीज निकाल के देगा लेकिन दोनों ही काम में लेते हैं क्योंकि बिकॉज वी एनालिसिस ऑफ दी कोर्ट सो एट स्टार्ट दिस वीडियो आ जाओ सो वेरी फर्स्ट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जिसके अंदर वेरी फर्स्ट इज अपन को मॉइस्चर को डिटरमाइन करना है तो अपन को क्या करना है कोल लेना है जिसकी क्वांटिटी हमें पता है पहले से उसको अपन 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे इन ए क्रूसीबल देन अपन उसको कोलेंट करेंगे न डेसिकेटर देन लॉस इन अ वेट रिप्रेजेंट द मॉइस्चर कॉन्टेंट यानी कि उसको गर्म कर दिया अपन ने फिर उसको कोलेंट में डाल दिया यानी कि कुल cool मिला के कुछ ना कुछ आपका जो लॉस उसका वेट होगा वो लॉस जो वेट हुआ है डैट इज योर मॉइस्चर सो द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपोन एक्स मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये आपका मल्टीप्लाई है ना सो एक्स क्या है यहाँ पर वेट ऑफ सैंपल यानी कि जो भी आपने वेट ऑफ सैंपल लिया वो सेकेंड वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर ड्राई यानी कि ये कूलेंट में डालने के बाद फाइनली जो आया उसका और दोनों को अगर आप सब्ट कर दोगे डेट इज वेट लॉस ओनली ड्राई ड्राई करने के बाद जो वेट लॉस हुआ डेट वन सो अपन जो वेट लॉस हुआ ऑन ड्राइंग अपॉन में वेट ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर सेकेंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एश एश को क्या करना है आपको जो भी हाँ, कोल का सैंपल लिया है उसको आपको आठ सौ डिग्री सेल्सियस पे हीट करना इन इलेक्ट्रिक फर्नेस फॉर वन हार एक घंटे तक देन आपको कूलैंड करना इन डेसिकेटर देन रेच ड्यू इज वेटेड एज द एश ठीक है as ash, जो भी आपका निकलता है सो द वेट ऑफ द एश लेफ्ट ठीक है जो भी बच गया और जो भी आपने कूलैंड का सैंपल लिया था उसका वेट दोनों को डिवाइड कर दो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो आपका एश परसेंटेज आ जाएगा अभी आपको एक चीज़ बताऊँ इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं और एग्जाम में आते हैं तो इनको थोड़ा ध्यान से समझो ठीक है थर्ड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द वोलेटाइल मैटर अब आपके घर कोल का एक सैंपल लिया जिसको आपने सेवन मिनट्स तक नाइन नाइन हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे हीट किया देन उसको आपको कूलेंट किया रेपिडली प्रिवेंट एनी ऑक्सीडेशन ठीक है उसको कूलेंट किया जा रहा है एंड उसको ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होनी उससे बचा के रखना है देन द लॉस वेट इज रिपोर्टेड एज द वोलेटाइल मैटर ओके जो भी लॉस वेट हुआ है उसमें जो भी लॉस हुआ है दैट इज़ योर वोलेटाइल मैटर सो ना ओ दर्सेंटेज ऑफ वोलाटाइल मेटल इज इक्वल टू लॉस इन वेट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द वोलेटाइल मेटल यानी कि वोलाटाइल मेटल को हटाने के बाद जो चीज बचती है वो जो वेट है अपोन में वेट ऑफ द कोल सैम्पल टेकन जो भी आपका वेट ऑफ कोल लिया था आपने वो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मेट और ठीक है नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्सड कार्बन सो द परसेंटेज ऑफ द फिक्सड कार्बन इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस परसेंटेज मॉइस्चर जो अपन अभी निकाला प्लस में वोलेटाइल परसेंटेज इसके थ्रू निकाला प्लस मैं परसेंटेज एश ओके इन तीनों को ऐड कर दो और हंड्रेड से सप्रेट कर दोगे दैट थिंग इज योर परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन नाउ वी विल सी द अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द अल्टीमेट एनालिसिस इन विच वी विल फाइंड आउट द कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन तो वेरी फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली एक कोल सैंपल ले रहे हैं एक दो ग्राम का जिसको बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जिसका मतलब इसका कंबशन हो रहा है एट दी एंड एंड मतलब वो कंबशन हो रहा है कुल मिला के तो एज ए रिजल्ट आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलेंगे कोल के अंदर जो आपको सी यू टू एंड, एंड एस टू में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे राइट लाइक सी प्लस ओ टू ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट में आ सी ओ टू बन गया एच टू प्लस हाफ ओ टू से रिएक्ट किया था तो एच टू बन गया ओके okay? नाउ इसमें एक डायग्राम भी होता है जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली जो आपके गैसेस प्रोडक्ट होते हैं कम्बसन के वो आपके ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं रेस्पेक्टिवली दो ट्यूब यूज़ करते हैं अपन सी एस एल टू एंड के ओ एच के ओ एच क्या करती है सी ओ टू जो आपकी गैस बनी उसको के टू सी ओ थ्री बनाती और है और वाटर निकाल दिए इसी प्रकार सी एस एल टू आपके वाटर से रिएक्शन करेगा एंड सी एस एल टू डॉट एच सेवन एच टू बना देगा तो अपन के पास एक के ओ एच है ठीक है तो अपन क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे इन ची टू एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे इन एच टू ओ तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अंदर अगर अपन देखें तो दिस इज द फॉर्मूला द परसेंटेज ऑफ सी इक्वल टू इंक्रीज इन वेट ऑफ के ओ एच ट्यूब ठीक है मल्टीप्लाई बाई बारह दिस इज द मोलिकुल वेट ऑफ द कार्बन सिक्स सिक्स डबल कर देंगे तो छः दूनी बारह तो बारह मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अपॉन वेट ऑफ द कोल सैंपल टेकन जो भी कोल का सैंपल वेट है वो मल्टीप्लाई बाई फोर्टी फोर हाउ डिड वी गेट सी ओ टू सी ओ टू का मोलिकुल वेट होता है फोर्टी फोर इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ एच किसके अंदर है सी एस सी एल टू ट्यूब के अंदर तो इंक्रीज इन वेट ऑफ द सी एस सी एल टू क्योंकि सी एस सी एल टू की रिएक्शन होती, होती है वाटर से एंड क्यू एच की रिएक्शन होती है सी ओ टू से तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस तो इंक्रीज इन वेट ऑफ द सी एस सी एल टू ट्यूब मल्टीप्लाई बाई टू दिस इज द मोलिकुल वेट ऑफ द हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड डिवाइड बाई वेट ऑफ द कोल सैंपल टेकन मल्टीप्लाई बाई एटीन विच इज द मोलिक्यूल वेट ऑफ एच टू ओ नाओ ठीक है ये परसेंटेज ऑफ सी हो गया ये परसेंटेज ऑफ एच हो गया अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे हंड्रेड परसेंट दैट्स वाई आपको ये आपके जितने भी फॉर्मूलाज है इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको एक बार आपको प्रोसीजर समझ में आ गई तो यू कैन ईजिली फिगर इट आउट दैट फार्मूला ओवर दयर ओके नाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन सो वट इज हैपनिंग इन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन अपन एक नॉन क्वांटिटी ऑफ द कोल लेते हैं ड्राई होता है और पाउडर सैम्पल होता है ठीक है उनको एक फ्लास्क होता है वोटेवन ने तो एक फ्लास्क के अंदर लेते हैं एंड उसको हीट किया जाता है कंसनट्रेट एच टू एस ओ फोर के साथ अलॉन्ग विथ सू एस ओ फोर इन द प्रजेंट ऑफ के टू एस ओ फोर जो आपका कैटेलिस्ट होता है ठीक है तो एन टू की रिएक्शन जब आपकी एस टू एस ओ फोर से होती है तो एन एस फोर का होल्ड टू तो एस एस ओ फोर बनता है इसकी रिएक्शन आप क्या करते हैं एन ए ओ एस से करवाते हैं ठीक है एन एस से रिएक्शन करवाते हैं यानी एक्सेस करने के लिए मूल्यांकन करने के लिए तो इसका स्टेपन कराते हैं ठीक है तो नाउ वी विल गेट एन ए टू एस ओ फोर प्लस में टू एन एच थ्री अब ये एन एस थ्री बन रहा है ना एन एस थ्री अमोया इसको एस टू एस ओ फोर से फर्दर रिएक्शन कराते हैं एंड वी गेट द सेम आउटपुट सो वी कैन से वन थिंग एक चीज मेरे को यहाँ से निकल के आई एन टू हो या एन एस थ्री हो उसकी रिएक्शन कराते हो तो सेम आउटपुट निकल रहा है तो वी कैन से एक्स एम एल ऑफ एन बाई टेन एसिड सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्स एमएल ऑफ एन बाई टेन एन एच थ्री सोल्यूशन राइट सही बात है बिल्कुल नाउ अगर वन थाउजेंड एम एल ऑफ वन ये एन आपका यहाँ पर है नॉर्मेलिटी ठीक है नॉर्मेलिटी ऑफ एनएस थ्री सोल्यूशन इक्वल टू सेवनटीन ग्राम ऑफ एन एस थ्री इसका मोलिकुल वेट इक्वल टू फोर्टीन ग्राफ ऑफ नाइट्रोजन ठीक है फोर्टीन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आ गया ये आपका आ गया इसका मोलिकुल वेट तो एक्स एम एल ऑफ एन एन एस थ्री कितना होगा फोर्टीन अपो में थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एन वन इज ए नॉर्मेलिटी ग्राम ऑफ दी नाइट्रोजन और भी कन्वीनियंट वे में अगर देखें तो एक्स परसेंटेज क्या होगा फोर्टीन अपॉन हंड्रेड एक्स एन वन हंड्रेड अपॉन वो आपका वेट आ गया सैम्पल वेट ओके तो इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई एन विच इज योर नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाई एक्स विच इज यू सॉरी वॉल्यूम ऑफ एसिड जो भी कंज्यूम किए उसका वॉल्यूम डिवाइड बाई वेट ऑफ द सैंपल कोल सो इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो दिस इज हाउ वी डिटरमाइंड द नाइट्रोजन नेक्स्ट चले सो इन द केस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दी सल्फर तो सल्फर के अंदर एक अमाउंट ऑफ कोल वो अगेन उसको बर्न करते हैं कंप्लीटली जिसके अंदर एक कंपनी बॉम्ब कैलरोमीटर होता है जिसके अंदर पर डालते हैं ठीक है एंड जिसके अंदर करंट में ऑक्सीजन होती है इन बिच एक सल्फर भी प्रजेंट होती है जो बाद में कन्वर्ट होकर सल्फेट बनाती है डाइट सोलो और कुछ भी नहीं है तो अपन डायरेक्टली देख लेते हैं वेट ऑफ बी एस ओ फोर यूज करते हैं इसके अंदर ऑप्टेंट होता है तो थर्टी टू आ गया आपका सल्फर का मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड डिवाइड बाई वेट ऑफ द कोल सैंपल टेकन इन इन टू द बॉम मल्टीप्लाई ये मोलिक्यूल बैठा है आपका बी एस ओ फोर का विच इज टू थ्री थ्री ओके थर्टी टू इधर है इधर टू थ्री थ्री है दैट्स ऑल तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ सल्फर नाउ एस डिटर्मिनेशन वो तो हमने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में निकाल लिया ओके गुड नेक्स्ट चलते फिर ऑक्सीजन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो हंड्रेड माइनस कार्बन का परसेंटेज हाइड्रोजन का परसेंटेज नाइट्रोजन का परसेंटेज एंड सल्फर का परसेंटेज दोनों सबको इन सबको एड करने का एंड से करने का सो so, ये था हमारा अल्टीमेट एनालिसिस अब इन दोनों के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं यानी इंपॉर्टेंस क्या है अप्रोक्सीमेट की और अल्टीमेट की सो so, बेसिकली ये आपकी जो भी कोल की क्वालिटी है उसको डिटरमाइन करने में उसको मैं बहुत मदद करता है जिसके अंदर एक तो कैलोर्फिक आपकी वैल्यू आ जाती है यानी कि बर्न करने पर कितनी उसमा निकलती है वो वैल्यू दूसरा आपका मॉइस्चर का कंटेंट मिल जाता है कितना आपको है बेसिकली यहाँ पर हाई अपन कैलोरफिक प्रीफर कर करके चलते हैं यहाँ पर लो मॉइस्चर करते हैं यहाँ पर एस का जो कंटेंट है वो लो ही प्रीफर कर करके चलते हैं इसी प्रकार है फिक्स्ड कार्बन जिसके अंदर अपन जितना ज़्यादा फिक्स्ड कार्बन रखेंगे उतना ही स्मॉल अपना वोलेटाइल मेटर होगा और उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल अब अगर अपन सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस देखें तो यहाँ पर ग्रेटर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होगी तो बेटर होगा कोयल की क्वालिटी में एंड कैलोरिफिक वैल्यू के अंदर ए गुड कोयल मस्ट है वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी कि कार्बन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए सल्फर कॉन्टेंट शुड नॉट बी मोर देन थ्री परसेंट इन द कोल सैंपल ओके नाउ ऑक्सीजन कंटेंट अगर जितना यूज करके वो डिक्रीज करता है कैलोरीफिक वैल्यू को बिकॉज हम जानते हैं कि ये आपके मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मेटर के अंदर प्रजेंट होता है क्या ऑक्सीजन ओके नाउ लास्ट पॉइंट है फोस्पोरस इज़ ए अनडिजायरेबल फॉर द यूज इन द स्टील इंडस्ट्री के अंदर डैट्स ऑल ये तो हमारे सिग्निफिकेंस एंड फॉर्मूला एवरीथिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ कोल अगर मजा आए तो क्या करने का यार वीडियो लाइक जरूर करके जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो बिकॉज आप शेयर करते हो तो समहाउ हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में थैंक यू सो मच बने रही इस प्ले लिस्ट में जय हिंद जय भारत ओके